अबे चीकू, ये क्या बेवकूफी है? हजार बार कहे तुझे मुझे चीकू मत कहा कर। तेरे अब्बा ने रखा था ना ये नाम, और उठा मेरे ऊपर से, डस्टबिन थोड़ी ना हो कोई। बेटा बेस्ट बडीज भी ना डस्टबिन जैसे ही होते हैं। तो तू मुझे ये समझ के यूज करा था कई साल से? नेक मगर किस्मत नहीं बदली तेरे यार की इतने साल से। अम्मा ने मुकद्दर का सिकंदर फिल्म देख के नाम रखा था मेरा। ओ भाई, कोई सिकंदर नाम रखने से लकी थोड़ी हो जाता है। तो देख ले बेटा, मेरा टाइम आएगा। एक काम कर, उधर रुक। ये इधर ये क्या हुआ? एक मिनट दे रहा, एक कर्ज उतार के आता। तू मरने तो नहीं वाला है क्या? मेरा तो कोई आज तक तूने कर्ज नहीं उतारा है। मेरा तो था एक साल पहले, इस सार अब्दुल कयूम पर। अबे भाई, वैसे लड़की अकलमंद थी, तेरे जैसे कंगले को टुकरा कर वो जर्मनी वाले से उसने मंगनी कर ली। वे ये क्या कर रहा है चीकू? ये क्या किया है तूने? शीशा टूटने की आवाज आई तुझे? हाँ आई। हाँ मगर मेरा दिल टूटने की आवाज नहीं, सारा अब्दुल कयूम को इसकी रस्सी की चर्सी। छोड़ भाई तू चल। ओए चीकू, ये क्या कर रहा है? अबे घामड़, अगर कोई पागल बाहर आ गया तो? अबे वो अपॉर्चुनिटी जा चुकी है बाहर। अबे तू कुछ नहीं होता, चल यार चल चल। अब तो करे कीड़े पड़े इसके लगेज में से ड्रग्स निकले, इसको रिपोर्ट करके वापस भेज दे। आमीन बोल, आमीन बोल, आमीन बोल पहले तू। आमीन सुन, आमीन चल भाई, कसम है तुझे। आ जा, एक और करने दे, बस एक पत्थर और। मैंने बोला तू बैठ गाड़ी में, बैठ। अरे ये देखो मैं क्या लाई हूँ, मिर्ची का अचार और देसी घी, बहुत अच्छा है। गम का वास्ता है अम्मी। फिलहाल तो आपकी बातें सुनकर मिर्ची लग रही है मुझे। कराची जा रही हूँ, अमरीका नहीं, और अब तो वहाँ भी सब कुछ मिल जाता है। जी नहीं, माँ के हाथ का अचार और देसी घी कहीं नहीं मिलता दुनिया में। जोया के घर है सब कुछ अम्मा। अगर जोया ना होती ना, मैं तुझे कभी कराची ना जाने देती। कैसे ना जाने देती? अब्बा मरहूम का ख्वाब था कि उनकी सॉफ्टवेयर इंजीनियर बेटी किसी अच्छी जगह जॉब करे। यही तो सोच के तसल्ली कर लेती हूँ। अच्छा जोया को बता तो दिया ना तुमने ट्रेन की टाइमिंग्स वगैरह? माँ सब बता दिया, वो जिद हो गई मुझे तसल्लियाँ दे देकर। आप जाकर सो जाए ना। अच्छा सुन, जाके ना कोई फर्निश्ड फ्लैट ले लेना। मैं अपने प्रॉपर्टी के थोड़े से काम खत्म करके फौरन आ जाऊंगी। जल्दी आ जाएगा, मैं भी आपके बगैर नहीं रह सकती। और हाँ सुन, अब तेरी दोस्त की शादी हो गई है, तथा मियाँ बीवी के बीच में ना घुसी। अम्मा बच्ची थोड़ी ही हूँ, और वैसे भी बेस्ट फ्रेंड है वो मेरी, 20 साल उसका खानदान हमारा पड़ोसी रहा है यहाँ। तभी तो तुझे इतनी दूर अकेले जाने दे रही। मेरी प्यारी अम्मा, आप फिक्र ना करें, मैं सब संभाल लूंगी। ट्रस्ट मी, आई लव यू, आई लव यू टू। परेशान नहीं होना आपने। आके बैठ जाएं आराम से, घर को भी रेलवे स्टेशन समझ रखा है क्या? जी, ये वो रेलवे स्टेशन है जिस पर आपकी चीकू एक्सप्रेस हमेशा लेट पहुंच। सिकंदर नाम है उसका, बिला वजह चीकू चीकू मत कहा करें। अच्छा ठीक है, कल से उसको मैं पनौती बुलाऊंगा। हम माँ बाप को जगा के रखा हुआ, इतनी देर हो गई आया नहीं अभी तक। कहा भी था कि फोन कर लो, फोन तक नहीं किया उसने। चारा परेशान है अपनी नौकरी की वजह से, तो थोड़ी देर जिमी के पास बैठ गया होगा, क्या है इसमें मसला? ओहो, जिमी बड़ा मिनिस्टर लगा हुआ है ना, जो नौकरी दिला देगा उसको। मैंने कहा था, बात भी करके रखी कि जाओ मेरे कोटे पे, रेलवे में जॉब मिल जाएगी, मेहनत करो कहीं पहुंच जाओगे। जिमी, जिमी के पास होगा, कॉल करता हूँ। मेरे अब्बा की रेलवे का मसला ही तो है जो कि मेरी जिंदगी का अजाब बना हुआ है। अब तू खुद बता, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग मैंने इसलिए की थी कि पूरी जिंदगी में ट्रेनों के कांटे बदलता रहूं। ओए तेरे बाप का फोन आ रहा है। ओए नहीं 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 नहीं, मत उठाना मत उठाना मत उठाना, इससे रुक, एक सेकंड रुक। ओह शिट यार, मेरा फोन भी डेड है। मुझे एक बात बता, ये सीन क्या चल रहा है हयात साहब का तुम्हारा?
अरे कुछ नहीं भाई, उन्होंने मेरा रेलवे पे सीन रखा हुआ था, इंटरव्यू था और मैं गया नहीं, तब से बस अपनी जान छुड़ाता फिर रहा हूँ। इसका मतलब है तेरी आयत के आखिरी पल ही चल रहे हैं भाई। लो भाई आ गया घर तुम्हारा, इधर रुकते। अच्छा बात सुन, तू भी अंदर आके मिल ले, कम से कम इंसल्ट शेयर कर लेंगे। इंसल्ट शेयर कौन करता है भाई, तू जानो, थैंक यू। कम से कम आके सलाम ही कर ले ना। भाई मैं प्यार से सलाम करूंगा, वो नफरत से जवाब देंगे। तू जा यार। अजीब, तो मेरे अप्पा का नाम सुन के पता नहीं तुझे क्या हो जाता। चल ओके बाय। माँ ना सही, माँ की चीजें तो होनी चाहिए। क्या हुआ अब्बा, आपको फिर से एसिडिटी हो गई? वो तो तुम्हारी शक्ल देखते ही हो जाती है मुझे। ये कोई टाइम है घर आने का? तुम्हें कहा भी था कि टेलीफोन करना। वो बैटरी डेड हो गई थी ना फोन की। डेड हो गया था, शर्म नहीं आती? तुम्हारी उम्र में एक बच्चे का बाप था मैं। अब्बा तो क्या मैं बगैर शादी के बन जाऊं? आपको इतनी सी बात क्यों नहीं समझ आती है कि आपकी हो गई थी ना शादी इस उम्र में? ओले वाला, अस्तगफुरुल्लाह, तुम समझाओ इसको कैसी बातें कर रही है। ये तरबियत की है तुमने इसकी? तो आप कर लेते, यही थे ना, अमेरिका जाकर तो नहीं बैठ गए थे? हर वक्त जली कटी सुनाएंगे उसे, तो फिर यही कहेगा ना बेचारा। तो ये बेचारा रेलवे के इंटरव्यू में क्यों नहीं गया जॉब के लिए, पूछो इसे। अच्छा, क्योंकि इस बेचारे ने सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग ट्रेनों की पापा सुनने के लिए नहीं की ना अब्बा। तो बेटा इसी पापा के पैसे से तुमने डिग्री हासिल की है ये? अब आपकी इन्हीं बातों से ना तंग आकर मैंने गाड़ी रजिस्टर करवा ली है ना, सारा दिन राइड लेता हूँ और मैं क्या करूँ आप बताए। बड़ी कोई इंटरनेशनल फ्लाइटों में जा रही है ना गाड़ी तुम्हारी? आप देखिएगा, एक दिन मेरा टाइम भी आएगा। वही देखते देखते ये टाइम आ गया बेटा, कोई सोर्स लड़ाकर कोई ना कोई जॉब ढूंढ लो ना। अम्मी मैं जॉब किसी सोर्स से नहीं, अपने टैलेंट से करना चाहता हूँ। तो तुम्हें क्या लगता है मैंने सोर्स से जॉब ढूंढी थी? तुम्हारे बाप ने भी अपने टैलेंट पर जॉब ली थी, बताओ उसको। रिटन टेस्ट में 100 में से 40 मार्क्स आए थे मेरे। अब क्योंकि आपके जमाने में 20 सीटों में सिर्फ 15 लोग अप्लाई करते थे, इसलिए 100 में से 40 मार्क्स लाने वाले को भी मिल गई ना नौकरी। अरे देखा तो, देखा इसकी यही बातें ना, सीने में आग लगा। आहिस्ता हाथ मारे, कोई पसली क्रैक हो जाएगी। तू भी बिगाड़ती हो उसको। अब जाएगा 2 घंटे शावर खोल के खड़ा रहेगा, नहाएगा, पानी लाया अलग, बिजली का बिल ज्यादा अलग। बेटा ट्रेन में किसी से कोई खाने की चीज लेके मत खाना। अम्मी महंगाई के इस दौर में अब कोई किसी को कुछ नहीं देता। अच्छा सुनो सुनो, पहुंच के फौरन मुझे फोन करना। हाँ, टेंशन ना ले, मैं कर दूंगी। और जोया को बता दिया ना सब कुछ? सुबह के 7 बज रहे अम्मी, सब कहाँ उठती है वो? अरे भुलक्कड़ लड़की है, पता नहीं उसे याद भी रहा होगा या नहीं। अम्मी ड्राइवर बाहर वेट कर, मैं लेट हो जाऊंगी, मैं निकलूँ। अच्छा अच्छा ठीक है बेटा, बहुत ख्याल रखना और अपने ऊपर चारों कुल और आयतल कुर्सी फूंक लेना। ले फूंक दिया पड़ा, आप दीजिएगा। खुदा हाफिज़। अपना ख्याल रखिएगा। हाँ मैं कॉल करती हूँ पहुँच के, टेंशन नहीं लीजिएगा। ठीक है ठीक है, खुदा हाफिज़ अम्मा, लव यू। खुदा हाफिज़ बेटा। डील इज कैंसल्ड, मीटिंग डिसमिस्ड। जी आज का क्या स्केड्यूल है? जी सर, आज का स्केड्यूल सुबह 10 बजे कॉन्फ्रेंस रूम में ब्रीफिंग है आपकी चाइनीज डेलीगेशन के साथ, 2 बजे ऑफिशियल लंच है आपका SH कंपनी के डायरेक्टर के साथ, और 6 बजे आपकी सिंगापुर की फ्लाइट। मिस सारा, मेरी सिंगापुर की फ्लाइट कैंसिल कर दें। इज एवरीथिंग ओके सर? मेरी जरूरी मीटिंग आ गई है, आई हैव टू गो टू जापान। लेकिन सर सिंगापुर की फ्लाइट तो कंफर्म हो गई और सीट भी बुक हो गई है। ओहो, आप तो यही चाह रही होंगी ना कि मैं जर्मनी जाऊं। मैंने आपसे कह दिया ना फ्लाइट टोक्यो की होगी, तो टोक्यो की होगी। एंड आई थिंक यू आर इन दिस फॉर द मनी।
I think your feelings are valid, sir. यार अम्मी अच्छा खासा टोक्यो जा रहा था ख्वाब में मैं। तुम्हारा बाप आ रहा है टोका लेकर कीमा करने के लिए तुम। ये सुबह सुबह किस खुशी में टोका टाकी? 2 महीने से गैस का बिल नहीं जमा करे। ओह शिट, वो तो मैं भूल ही गया था। तो वो जापानी जूता लेकर आ रहे हैं, तुम उन्हें बता देना कि तुम क्योंकि टोक्यो चले गए थे इसलिए गैस का बिल जमा कराना भूल गए। इतनी सी बात पे आप जिस्मानी तशद्दुद होने देंगे अपनी अकलौती औलाद पर? तुम्हारी इतनी सी बात की वजह से हमारा इतना सा मीटर महकमे वाले उतार कर ले गए हैं सुबह सुबह। इसका मतलब बाहर अगर मीटर उतरा है तो घर में मेरी गर्दन उतरेगी। बिल्कुल सिकंदर बेटा भाग। चीकू खा खा के इसका दिमाग चीकू जैसा हो गया। पता तो है कि टी बैग वाली चाय मुझे पसंद नहीं। कदर लापरवाह है तुम्हारा बरखुरदार। गैस का बिल नहीं दिया, गैस कट गई। क्या तकरीरें कर रही हो तुम? मैं तो मक्खी उड़ा रही थी। मक्खी आ गई कहीं से। उठा नहीं दोबारा बरखुरदार? वो तो चला भी गया काम पर। उसे सवारी मिल गई थी ना सुबह सुबह, तो काम पे निकल गया। मुझे मिल जाता तो कहीं आज सारा दिन जाने के काबिल ना रहता। बिल्कुल चपेड़े पड़नी चाहिए उसको, बहुत गैर जिम्मेदार है। सर बताया ना आपको, मैं 5 मिनट अवे हूँ आपसे, पहुंचा दूंगा आपको ट्रेन स्टेशन। सर अम्मी राइड बुक करा लिया, मैं पहुंच जाऊंगी। लेकिन ये तेरी जोया क्यों नहीं पहुंची अभी तक? कोई इशू हो गया होगा। लोकेशन और एड्रेस तो उसने रात में ही भेज दिए थे। आपका मिलाया हुआ अम्मी फोन रखे, ड्राइवर का फोन आ रहा है। अच्छा अच्छा अच्छा, ध्यान से बैठना और ड्राइवर की सारी डिटेल मुझे भेजना। क्या करनी है डिटेल्स? हमने रिश्ता करना है उनके घर। अरे ख्याल से बैठना, और अगर शक्ल से चर्सी मवाली लगे ना तो राइड कैंसिल कर देना। जी कर दूंगी, खुदा हाफिज। मैडम जब इंसान राइड बुक करवाता है तो कम से कम अपना फोन बिजी नहीं करता। सॉरी अर्जेंट कॉल आ गई थी। कहाँ हैं आप? जाहिर है इसी जमीन पर। मैंने भी कोई मार्स की राइड नहीं बुक कराई है। मार्स की राइड आपको मिली ना जाए इतने पैसों में। ये बताए कहाँ है आप? मैं पार्किंग में हूँ। आप पार्किंग में पहुंचे, मैं आ रही हूँ वहाँ पर। अजीब आदमी है, काट खाने को इंसान। आए तशरीफ रखे। सूटकेस कौन रखेगा गाड़ी में? ये सूटकेस किसका? ऑब्वियसली मेरा है। तो डेफिनेटली आप खुद ही रखेंगी। एक्सक्यूज मी, ये गाड़ी किसकी है? ऑब्वियसली मेरी है। तो डेफिनेटली ये सामान भी आप ही रखेंगे। मैडम आपने गो प्रीमियम बुक करवाई है, खरीदी नहीं है ड्राइवर समेत। इंसानियत नाम की भी कोई चीज होती है। चलो जब कुछ ना मिले तो इंसानियत बीच में ले आओ। जी भी फंडा होता है लड़कियों का। ऐसा थप्पड़ तुमने अपने बेटे को मारा होता ना तो होश दिखाने आए थे उसके। नहीं, गैस की मीटर के चक्कर में दिल ही करवा दिया उसने। मुझे तो लगता है कि गैस जो है ना वो आपके दिमाग को चढ़ गई। कोई सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग शौकों पे टैक्सी चलवाने के लिए नहीं करवाई थी तो फिर मौत के कुएं में चलाता वो। अरे तो मुझसे क्यों बहस कर रही हो, उसको समझाओ ना। 3 साल हो गए खाली हाथ लटकाए फिर रहा है वो। 3 साल से उसने आपसे 1 रुपया नहीं मांगा। नहीं हाँ, अब्बा की लाखों की गाड़ी जो सड़कों में दौड़ाते फिर रहे हैं वो, और नवाब साहब की तरह नखरे पे देखिए प्रीमियम राइड्स लेते हैं सिर्फ। आपसे बात करना तो बिल्कुल बेकार है। कि मेरा रिमोट इधर दे, इधर दे मुझे। अरे भाई गैस का मीटर लग गया है, चाय बना दो अच्छी सी।
पहले मैं अपना एपिसोड देखूंगी, उसके बाद चाय बनाऊंगी। बिहारी से भी फिल्म बनी खड़ी हुई है पूरी सीरियल तुम्हारी, अब क्या रहेगा? वो बना ले फिर चाय। पता नहीं क्या किया होगा उसने थप्पड़ के बाद। अपने पैसेंजर्स को ऐसे बीच रास्ते में छोड़ के जाते हैं आप? तो क्या करूं, जिंदगी भर के लिए फिर सर पर सवार में। अरे अरे आप किस खुशफहमी में हैं? आपको तो कोई एक घंटा बर्दाश्त ना कर पाए, उम्र भर की बात कर रहे हैं। मनहूस ताड़ू कैसे घूर रहा था मिरर में। ऐसी कौन सी हेलेन ऑफ ट्रॉय जिसे मैं घूरूंगा? गाड़ी क्यों रोक दी? पता नहीं, देखने दे एक सेकंड। गाड़ी क्यों रख दी है? टायर पंचर हो गया। या अल्लाह, ये भी अभी होना था। आपको देर हो रही है तो यहाँ से रिक्शा या कैब ले ले। इस सुनसान रोड पर कोई रिक्शा या कैब नजर आ रही है आपको? मोहतरमा आपका प्रॉब्लम क्या है? जब से गाड़ी में बैठी है तंज किए जा रही है। आपके मुंह से जो फूल जा रहे हैं उसका भी गुलदस्ता बना रही हूँ, उतरते हुए दे दूंगी। ये टायर पंक्चर भी आपके 30 किलो की लगेज की वजह से हुआ है जो कि इतनी मुश्किल से मैंने डिग्गी में डाला है। तो जो गाड़ी 30 किलो का बोझ ना उठा सके उसे तो फिर वैसे ही रिस्टार्ट कर देना चाहिए, नहीं? तो अभी राइड कैंसिल कर देता हूं। अपने पैसेंजर्स को ऐसे बीच रास्ते में छोड़ के जाते हैं आप? तो क्या करूं, जिंदगी भर के लिए फिर सर पर सवार में। अरे अरे आप किस खुशफहमी में हैं? आपको तो कोई एक घंटा बर्दाश्त ना कर पाए, उम्र भर की बात कर रहे हैं। अंदर जाके बैठे आप, गर्मी आपके दिमाग को चढ़ गई है। किसी एटीएम के पास रोकिएगा, कैश नहीं है मेरे पास। 30 किलो का लगेज रख सकती है, 3,000 रुपए नहीं है पर्स में। उस लड़के को देख रहा हूँ, आपने इसका तारुफ नहीं करा? दोस्त है मेरा, सारू ने कॉल ही नहीं किया अभी तक। पता नहीं पहुंची भी है या नहीं। बहुत फिक्र हो रही है मुझे, अल्लाह खैर करे। ओए चीकू, रात बच गया था अपने अब्बा का। तो बकवास बंद कर यार, पहली मूड खराब है मेरा। जिगर एक वैकेंसी आई है जूनियर सॉफ्टवेयर डेवलपर की, 40,000 सैलरी है। बेटे टुच्ची मुच्ची नौकरी ना तू ही कर, मैं वही करूंगा जो मुझे मेरे कैलिबर के मुताबिक मिलेगा। फिर ऐसा कर, प्रेसिडेंट ऑफ स्टेट बैंक के पोस्ट के लिए अप्लाई कर ले, तेरा कुछ भी नहीं हो सकता चीकू। अच्छा तो तेरी तरह कंप्यूटर्स में एमएस करके इंश्योरेंस पॉलिसी बेचूं? शक्ल देख अपनी, कसम से ऐसा लगता है किसी ना यतीम खाने का मैनेजर है तू। बातें करवा दे तुझसे बंदा। Oh!
क्रेडिट कार्ड कैश सब चला गया मेरे वॉलेट में। शुक्र करो फोन बच गया। मेरा कैश और कार्ड तो चले गए ना, अब मैं क्या करूंगी? अब चलो वो वापस थोड़ी आएंगे। आ गई आपकी डेस्टिनेशन। यहाँ पर लॉक क्यों लगा हुआ है? आई डोंट नो, पैसे मैंने आपके अकाउंट में ऐड कर दिए। सुनिए अभी मत जाइएगा, मेरी दोस्त का नंबर मुसलसल पावर्ड ऑफ आ रहा है, शायद मुझे कहीं और जाना पड़े। एक्सक्यूज मी भाई, ये घर हैदर साहब का है, लॉक क्यों लगा हुआ है? कहाँ है वो लोग? आज सुबह 5 बजे उनके वालिद का इंतकाल हो गया, वो निकले हैं नवाबशाह के लिए। चलो जी, यकनशुद दोशुद। मेरे खुदाया, इसने मुझे बताया क्यों नहीं? अब मैं क्या करूंगी? बस इससे भी नहीं है, इससे ही ना मांग ले। एक्सक्यूज मी, सुनिए सुनिएगा, एक सेकंड, 10 मिनट की बात है। अम्मी कैसे आ जाऊं वापस? मेरा एटीएम कार्ड, क्रेडिट कार्ड सब ब्लॉक हो चुका है, फूटी कौड़ी नहीं है मेरे पास। कल ऑफिस में जॉइनिंग देनी है, ऊपर से आप टेंशन दिए जा रही हैं। या अल्लाह सारा, अब तू क्या करेगी? सोच रही हूँ किसी होटल या गेस्ट हाउस में जाकर रुक जाऊं, लेकिन पैसे कहाँ से दूंगी? वॉलेट तो छिन गया ना मेरा। मैडम मुझे आप अपने क्यों खड़ा रखा है? 2 मिनट सब्र नहीं कर सकते? मिनट का घंटा पहली बार देख रहा हूँ। जी अम्मी क्या कह रही हैं? हयात भाई, हयात भाई के घर चली जा। तेरे अब्बा के बहुत पुराने दोस्त हैं। अरे वो भी कराची में है। अम्मी ऐसे कैसे मुंह उठाकर चली जाऊं? अब्बा की डेथ को 5 साल हो गए और इनकी फैमिली को आज तक ना देखा मैंने। मैं तो मिली हूँ ना। अच्छा तू फोन रख, मैं जरा बात करके फोन नंबर और एड्रेस लेती हूँ। प्लीज जल्दी करें जो भी करना है। मैडम मुझे किस बात की सजा दे रही है आप? सच कहा है किसी ने, बड़े शहरों में रहने वालों के दिन बहुत ही छोटे होते हैं। पिछले 1.5 घंटे से अपनी 4 राइड्स कैंसिल करके आपके साथ मटर गज कर रहा हूँ। लेकिन सही कहा है किसी ने, छोटे शहर से आने वाले लोगों का जर्फ भी छोटा ही होता है। एक एक पैसा ना लौटाया ना तो मेरा नाम भी सारा एजाज नहीं। क्या अकाउंट तो आपने आलिया के नाम से बनाया है? मेरी मदर का नाम है वो। सारा नाम कहो तो कभी एक्सेप्ट ना करते। जी अम्मी। अरे मेरी बात हो गई हयात भाई से, वो तो बहुत खुश हुए सुनकर मेरे बैग छिन जाने का। अरे नहीं बेवकूफ लड़की, तुम्हारे कराची आने पर। अच्छा मैंने तुम्हारा नंबर दे दिया, वो तुम्हें फोन करने ही वाले होंगे। या अल्लाह तेरा शुक्र है, हाँ हाँ कर दूंगी अम्मी। जी जी अम्मी फोन रखिए, पीछे से फोन आ रहा है। ठीक है ठीक है, हाँ मुझे बताना। अच्छा अपनी खैरियत? अस्सलाम वालेकुम अंकल। अरे वालेकुम अस्सलाम ज़ारा बेटी, कहाँ तुम? अंकल मैं यहाँ रोड पे खड़ी हूँ ड्राइवर के साथ। अरे तुम मेरी ड्राइवर से बात करो। शाबाश जी। जी बोले। हाँ भाई देखो, तुम अभी जिस तुरंगी पे खड़े हो ना, उससे आगे तुमने वो मेन रोड पे जायद न्यारी वाला देखा है? जी देखी है। हाँ तो तुम जायद न्यारी क्रॉस करोगे तो लेफ्ट टर्न कर जाओ, लेफ्ट के बाद पहला राइट लोगे तो चौथा घर छोड़ के 5वां घर है। अंकल आप मुझे सीधी सीधी गली का नाम और हाउस नंबर बता दे। अरे मियां मेरी बात तू सुनोगे तो समझ आ जाएगा ना तुम्हें? सुनो मेरी बात। जी सुन रहा हूँ। यह मकान का नंबर है 4A गली नंबर 9, कॉर्नर वाला हाउस है, समझे? 4A गली नंबर 9? क्या 9 9 9 स्ट्रीट 9 कॉर्नर हाउस। परेशान मत करो, जल्दी आओ। इंसान है पता नहीं कौन कौन ड्राइवर बन जाते हैं। ये आपकी क्या लगते? जो भी लगते हो आपको इससे क्या? ज्यादा जोर से ही लगते। क्या कहा? कुछ नहीं, पाए तशरीफ रखे।
नजर ही लग गई मेरी खुशियों को। रास्ता समझ लिया था आपने? जी जी, लेके जा रहा हूँ आपको। अगर है कौन ये चलती फिरती दफा 302 और मेरे घर क्या करने आई है? क्या करती, खुद को फवाद खान ही समझने लगा है। चाहते ही पैसे मुंह पर मारूंगी इसके। बाहर ही रोक लेते। एक्सक्यूज मी, जरा पीछे होकर खड़े हों। अंदर जाकर पैसे भिजवा रही हूँ, सामान निकाल दे मेरा। अंदर जाके मैं खुद ही हिसाब क्लियर कर लूंगा। आप क्यों आएंगे अंदर, यहीं खड़े रहे? आ जाते हैं पता नहीं कहाँ कहाँ से मुंह उठा के। दिन बर्बाद होने की खुशी में सलाम अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। तुम सारा हो ना? जी हाँ, मुझे हैरत में बताया। आई एम सो सॉरी। पहले उतने बाहर निकले वो आके मेरा वॉलेट ही ले गए। वो ओहो मिस्टर, कहाँ तुझे जा रहे हो तुम? कहाँ ना, पैसे मिल जाएंगे तुम्हें। कोई बेअदबारी है क्या? कितनी कोई एहसान फरामोश लड़की हो तुम। सारे रास्ते आप अप करती रही और अब जब काम पूरा हो गया तो तुम की गर्दन शुरू कर दी। तुम निकलो यहाँ से, चलो। अच्छा तुम लोग आपस में क्यों लड़ रहे हो? आंटी आप नहीं जानती, बहुत ही चिपकू है ये। चिपकू नहीं है, चीकू है। पहले तो सारा रास्ता शीशे में मुझे ताड़ता आया, अब पैसों के चक्कर में आपके घर में घुसा जा रहा है। क्या 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 क्या, मैं ताड़ता आया? ऐसी कौन सी हसीना माँ जबीन हो तो? तुम निकलो यहाँ से, तुम्हारे बाप का घर नहीं है ये। मेरे बाप का ही घर है ये, अम्मी बता दे इसे। अम्मी? आंटी आपको अम्मी? उसके बाप का ही घर है। तुम आओ, आप तुम वहाँ धो लो, फिर मैं खाना लगाती हूँ। तब तक तुम्हारे बहुत खुशकिस्मत थे यार, इसे तुम जैसी काबिल मेहनती फर्मा बरदार होनहार औलाद ना दी। और एक हम है। अच्छा अब छोड़े ना इस बात को, मुझे तो ये अफसोस हो रहा है कि बच्ची को आते ही लुटेरे पड़ गए। हाँ तो ये भी तो तुम्हारे चीकू की गलती है ना। अब्बा इसमें मेरा क्या कसूर? या तुम्हें खुद जाना चाहिए था ना एटीएम इसके साथ, ताकि इसे कंफर्म हो जाता कि ये मेरी ही सोची समझी साजिश है। और इसे क्या पता था उस वक्त कि ये एजाज भाई की बेटी है? तो बताओ इसे कितना एहसान है एजाज के हम पे। जब सखर पोस्टिंग हुई मेरी, कितने दिन तक होटल नहीं जाने दिया उन्होंने, और फिर आलिया भाभी की जो मेहमान नवाजी है भाई, क्या कहने उसके। थैंक यू अंकल, बस मुझे एक अच्छे से एरिया में एक छोटा सा फ्लैट तलाश करते हैं। चलो जी, फारिग बैठे में हूं। अरे तुम यही रहो आराम से बेटा, तुम्हारा अपना घर है। अंकल वो तो ठीक है, लेकिन अपार्टमेंट भी कहाँ इतनी जल्दी इतनी आसानी से मिल जाएंगे। अभी से ढूंढोगी तो कुछ हो पाएगा, एजेंट से तो मिलना पड़ेगा ना। हाँ तो तुम क्यों मिलोगी? ये है ना चीकू, ये ढूंढ देगा तुम्हें अच्छा सा फ्लैट है। भाई वैसे भी सारा दिन बेकार फिर रहा होता यहाँ से मैं अपने दोस्त जिमी के साथ। नहीं,
आवाज नहीं निकालते बर्तन से। अम्मी, मैं उसके बाप का ना मुलाजिम नहीं हूँ, कोई प्रॉपर्टी डीलर हूँ क्या मैं कि उससे मैं फ्लैट ढूंढ के दूँ? क्या है तुम्हें उसके आने से इतनी तकलीफ क्यों हो रही है? इतनी खुशी तो अब्बा को मेरे पैदा होने पे नहीं हुई जितनी अपनी मरहूम दोस्त की बेटी के आने पर हुई है। बच्ची भी तो देखो ना कितनी प्यारी कितनी जहीन है। ऐसा कौन सा एटॉमिक प्रोग्राम बना लिया उसने? बाय द वे उसके पास भी सेम डिग्री जो मेरे पास है। हाँ लेकिन उसकी किस्मत तुम्हारी तरह ठंडी नहीं है, 5 लाख सैलरी है उसकी। तुम कहो तो मैं उसकी माँ से रिश्ते की बात करूं? बड़े ना अफसोस की बात है, आपको उसकी 5 लाख की सैलरी नजर आ रही है, उसकी 5 गज लंबी जुबान नजर नहीं आ रही। ज्यादा जज्बाती तकरीरें करने की जरूरत नहीं है, कल उसके ऑफिस के बाद उसे नादरा के ऑफिस लेकर जाना है, उसने अपना आईडी कार्ड बनवाना है। सक्कर से कराची आ सकती तो खुद ऑफिस में तो जा सकती ना अम्मी। परेशान हो गई थी। अच्छा अच्छा इमोशनल स्पीच ना दो। नहीं यार इमोशनल स्पीच नहीं दे रही, मैं एक्चुअली परेशान हो गई थी तुम्हारे लिए। सुबह बात करते हैं। तो मुझे बताओ तुम्हारी रिहाइश का बंदोबस्त हुआ है? हाँ हाँ मेरी रिहाइश का बंदोबस्त हो गया है, डोंट वरी। तुम कैसी हो, ठीक हो? सारा 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 कल रात से ना मेरी जिंदगी में अजाब डाल दिया इस्लाम ने। उस बेचारे का क्या कसूर? तुम मेरा क्या कसूर? तुम्हारे भले के लिए कहते हैं। मत करे मेरा ऐसा भला, सारा कॉन्फिडेंस तोड़ दिया मेरा, लूजर फील करने लगा हूँ। मम्मी बंदा टैलेंटेड हो ना तो सक्खर जैसी जगह पे भी जॉब मिल जाती है। आंटी प्लास या थोड़ी होगी आपके घर में? अब्बा के पास है वाफर मकदार में। मजाक कर रहा है बेटा, खैरियत? वो अब मेरे सूटकेस की कीज थी मेरे वॉलेट में, अब खुल नहीं रहा। वो हो तो तुम इसको दो ना, चीकू है ना ये खोल देगा, तुम आराम से नाश्ता करो जाओ मियां। फिलहाल तो चीकू का दिमाग खुल रहा है। सॉरी मैंने आप लोगों को तंग किया। सॉरी की क्या बात है बेटा, एक ताला ही खोलना है ना, कुआं खोदने को थोड़ी कह रही। मैं जाकर देखती हूँ। ये प्यारी बच्ची है। हाँ भाई तुम्हारा बच्चा भी अगर प्यारा होता तो वो सोचते हम बात बात करते। बस कर दिया करें कभी तो, सिच कर दिया आपने, बस करें। प्लीज जल्दी कर दो, आज ज्वाइनिंग है मेरी। ये लो खुद तोड़ लो। मैं तो कुछ और ही तोड़ दूंगी। क्या कहा? कुछ नहीं। कितना दूर है मेरा ऑफिस यहाँ से? 40 मिनट्स, अगर रश ना हो तो। हो गया। हटो 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 हट जा। या अल्लाह अब क्या हो गया? मी अल्लाह पूछे आपको, एटलीस्ट अपनी अम्मी को तो बख्श दो। सलाम अलैकुम, ये मेरे सूटकेस के अंदर देसी घी और अचार की बोतल आपने रखी है, अंदाजा है आपको आपकी ये अचारी मोहब्बत मेरे कितने कीमती सूट पर बात कर चुकी है। बस रहने दे अम्मी आप अपने टोटके, अब पता नहीं कोई कपड़े बचे भी हैं पहनने के लिए या नहीं, रखिए मुझे ऑफिस जाने देर हो रही है।
अचारी मोहब्बत। क्या पहनूं अब? भाई बुरी बात है चीकू, बहुत बुरी बात है। अब वे इन लगेज में अचार कौन लेकर आता है? उसकी माँ ने रख दिया होगा। इसे खुदा की कसम, ये बाबा के दोस्त का खानदान बहुत पेंडू है। दुनिया की सारी माँ की मोहब्बत ऐसी ही पेंडू होती है, और मुझे कोई शर्मिंदगी नहीं है इस बात पर। इसकी आदत है मजाक करने की, बुरा मत मानना। तुम रेडी हो या तुम्हें छोड़ा है? जी चलो चलो, कैटल बंद करो। चारी मोहब्बत। ये अचार की वो कहां से आ रही है? और तुझे पता है पूरे 5 लाख की सैलरी लगी उसकी। कंफर्म जेलस हो रहा है तू भाई ये लड़की के पीछे। माना कि बुरा वक्त चल रहा है सिकंदर आयात का, लेकिन इतना भी लो स्टैंडर्ड नहीं हुआ तेरे यार का? बाय द वे इतनी अच्छी जॉब मिल कैसे गई इसे? 3 साल से इस फील्ड में धक्के खा रही है। धक्के तो मैं भी खा रहा हूँ यार इस इंश्योरेंस ऑफिस में। टारगेट ही ओके दे रहे हैं इस महीने। ले तेरा टारगेट पूरा हो ना हो, मेरे अब्बा का टारगेट हमेशा पूरा होता है मेरी इंसल्ट करने का। आ गई कौन कोटा पूरा करने की? जी अब्बा। हाँ भाई बैठे हो कि तुम सारे जहाँ के नकम्मे फजूल नाकारा बेकार अपने दोस्त जिली के पास है ना? नहीं अबा मैं तो शेरियार अंकल के पास आया हूँ ना, वो अम्मी की होम्योपैथी की दवाई लेनी थी। अच्छा तो वैसे करो मेरी बात भी कराओ उनसे, क्योंकि मेरे भी गुर्दे में तकलीफ है पथरी की। वो पहले मुझसे तो मिलने अभी तक आए नहीं है क्लिनिक से बाहर, मैं उन्हीं का तो इंतजार कर रहा हूँ। सारा भी तुम्हारा इंतजार कर रही अपने ऑफिस पे, और मैं जाओ उसको लेकर नाजरा के दफ्तर। जी अबा। यार मुझे किस खुशी में सुबह दोपहर शाम दोस्त मिलते रहते तुम्हारी अब्बा की तरफ से? क्योंकि उनको लगता है तू मुझे मिसगाइड करता है। चल मैं जा रहा हूँ उस बच्ची को पिक करने, मुफ्त की मुसीबत पड़ गई है मेरे सर पर। शुक्र है बेटा कि तुम्हें अपना ऑफिस पसंद आया। आंटी इतना जबरदस्त ऑफिस है और इतना प्रोफेशनल एनवायरनमेंट, मैं ख्वाब देखा करती थी कि ऐसा ऑफिस हो। नेक्स्ट मंथ तो गाड़ी भी मिल जाएगी। शुक्र यार सीखो इससे, देखो कैसे स्टेप बाय स्टेप ऊपर गई है ये। हाँ और तुम्हें सीधा एग्जीक्यूटिव पोस्ट चाहिए। आई थिंक आई एम डन। वैसे अंकल सॉरी टू से, लेकिन हर किसी की अपनी अपनी स्ट्रगल होती है। अपनी औलाद का कंपैरिजन तो कभी नहीं करना चाहिए किसी और के साथ। यही बात है ना जो इन्हें समझ नहीं आती। पूरे 3 साल हो गए, एक रुपया नहीं मांगा कभी इनसे। बस इनकी गाड़ी इस्तेमाल करता है वो ही इनसे बर्दाश्त नहीं होता। अरे छोड़ो अपने बेटे की बात, उसमें गटसी नहीं है। अरे लोग तो बारी बारी ऊपर जाने के लिए तरसते हैं स्टेप बाय स्टेप, और बरखुरदार पहली सीढ़ी से आखिरी सीढ़ी को चलाक मारना चाहता है। हाँ रोटी पकड़ा होगा जी, खाना भी नहीं खाने दिया उसको। सारा 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 कल रात से ना मेरी जिंदगी ने आजाद डाल दिया इस्लाम ने। उस बेचारे का क्या कसूर? तो मेरा क्या कसूर कि अब्बा मुझे पिछले 3 साल से हर गली मोहल्ले रिश्तेदारों के आगे बेइज्जत करते रहते हैं। क्या मेरे इख्तियार में नौकरी? तुम्हारे भले के लिए कहते हैं। मत करे मेरा ऐसा भला, सारा कॉन्फिडेंस तोड़ दिया मेरा, लूजर फील करने लगा हूं। मम्मी तुम्हें कोई जरूरत है उनके घर के मामलात में दखल देने की,
मगर अम्मी मुझे शर्मिंदगी होती है ना जब हयात अंकल उसे मेरी मिसालें देते हैं। ये तो वो बहुत गलत करते हैं। बेटा तुम क्यों नहीं रियल स्टेट वाले को फोन करती कि तुम्हें जल्द से जल्द घर दिला दे? करती हूँ कोशिश, आज तो दूसरा दिन है। और ये जोया क्यों नहीं आई अभी तक? वो वही रहेगी नवाब शाह में अपनी सास के पास उनकी इद्दत खत्म होने तक। चलो ठीक है, अपना ख्याल रखना बेटा, मेरी जरा जोर की नमाज निकल रही है। ठीक है बेटा, खुदा हाफिज। मत करे मेरे ऐसा भला, सारा कॉन्फिडेंस तोड़ दिया मेरा, अंदर से ना लूजर फील करने लगा हूं मैं। अम्मी तुम्हारे लिए। मैं कॉफी नहीं पीता, कड़वी होती है। तुम्हारे लहजे से तो कमी कड़वी होगी। तुम्हें बड़ा मजा आ रहा होगा ना, एक अच्छे खासे मर्द की सुबह दोपहर शाम इंसल्ट हो रही होती तुम्हारे सामने। मैं किसी को नीचा दिखाने की पॉलिसी में बिलीव नहीं करती। हाँ तो फिर हमदर्दी हो रही होगी और क्या। क्यों, तुम कोई लूले लंगड़े बहरे या गूंगे हो? वो सब भी चलता अगर किस्मत अच्छी होती। सिकंदर नाम रखने से कोई खुशकिस्मत थोड़ी हो जाता। इंसान अपनी किस्मत खुद बनाता है। हाँ और ये बात हर वो इंसान करता है जिसका अपना खुद जैक लगा हुआ, वो भी तुक्के से। स्टार्ट तो करो कहीं से भी। अपने स्टैंडर्ड्स पर कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते। मैंने 20,000 से स्टार्ट की थी अपनी पहली नौकरी। प्लीज कोई अब मोटिवेशनल स्पीच मत स्टार्ट कर देना। वैसे फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, आपकी सैलरी के लगभग ही कमा लेता हूँ मैं। काम में वही करूँगा जो मेरी क्वालिफिकेशन के मुताबिक हो। आजकल के लड़कों को क्या हो गया है? बस कर तो बेटा, सुबह से सर खपा रही हो इसमें। आंटी ये पहले प्रोजेक्ट नहीं, सर घुमा कर रख दिया है मेरा। चलो अल्लाह कामयाब करेगा, कॉफ़ी भिजवाऊँ तुम्हारे लिए? मैं भी इत्तेफाक से आप ही का बेटा हूँ, इसी घर में रहता हूँ, मुझसे भी पूछ लें। बातें करवा लो इससे जितनी मर्जी। थैंक गॉड जोई तुम्हारी कॉल आ गई, कब से ये फाइल भेजी हुई है तुम्हें। हेलो, हाँ आवाज़ आ रही है? कुछ पता लगा काम मिस्टेक कर रही हूँ? मैं तो बहुत कंफ्यूज हो गई हूँ यार। एग्जैक्टली यहीं पर मिस्टेक कर रही थी मैं। तुम तो बड़े जीनियस निकले यार, फौरन ही फिगर आउट कर लिया। डिग्री चाहिए पेश की नहीं ली मैंने। आज तो 100 खून भी माफ है तुम्हें। खाली बातों से काम नहीं चलेगा। चलो ठीक है, आज डिनर मेरी तरफ से, पर प्लीज कोई छोटी बात मत करना आप। सिकंदर आजम नाम है मेरा, छोटी मोटी बात पे यकीन नहीं रखता। फ्रेंड्स, चलो हाथ मिला लेता हूँ आप, लेकिन दिल नहीं मिलाते। वाह, बड़ा डायलॉग मारा है।
थैंक यू आंटी, आपने क्यों जहमत की, मैं खुद ले लेती। शुक्रिया तो मुझे अदा करना चाहिए तुम्हारा। मतलब? तुम्हारे आने से बाप और बेटा में इख्तलाफात कम हो रहे हैं। वो कैसे? आज पता नहीं कितने दिनों के बाद दोनों साथ बैठे। वैसे आंटी सच कहूँ तो ज़्यादा कसूर अंकल का है। पेरेंट्स को कभी भी कंपैरिजन नहीं करना चाहिए अपने बच्चों का किसी के भी साथ। ठीक कह रही हो तुम। बहुत टैलेंटेड है आपका बेटा, काफ़ी आगे जाएगा। फिलहाल तो तुम आगे जाने की तैयारी करो। मतलब? मतलब कि फ्लैट मिल गया है तुम्हारे ऑफिस के पास, आंटी को बता देना। हाँ लेकिन चाबियाँ तुम्हें फर्स्ट तक मिल जाएंगी। लेकिन तुम क्यों जा रही हो? मतलब तुम्हारे आने से ना मेरे घर में बेटी की कमी पूरी हो गई थी, एक रौनक सी लग गई थी घर में। तो ये रौनक आप अपनी बहू लाकर पूरी कीजिएगा। अब ये कोई ढंग की जॉब करे तो ही मैं इसका रिश्ता लेकर जाऊं ना कहीं। शादी मैं उसी से करूंगा जिसे मेरे काम से कोई प्रॉब्लम ना हो। ये भी बहुत ढीठ है, बिना वजह नहीं तपते हैं आज साहब। तुम फ्रीलांसिंग करते हो ऑनलाइन? हाँ, इसमें इतना हैरान होने वाली क्या बात है? नहीं मतलब फिर ये तुम गाड़ी चलाना छोड़ दो ना। क्यों, तुम्हें भी ये काम छोटा लगता? नहीं मेरा मतलब ये नहीं था, मेरे लिए कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं है। मैं सिर्फ इसलिए कह रही हूँ कि तुम्हारा फोकस जो है वो एक तरफ होना चाहिए। अरे तो मेरा फोकस कहीं और जा रहा है। हाय सिकंदर। हाय। कैसे हो? तुमने अपना नंबर चेंज कर लिया? है तो सिर्फ नंबर चेंज किया है, लोग तो पूरे के पूरे चेंज हो जाते हैं गिरगिट की तरह। और जर्मनी से कब आई वापस? गई ही नहीं, एंगेजमेंट टूट गई थी मेरी, और उसके बाद तुमसे कॉन्टैक्ट करने की कोशिश की लेकिन तुम्हारा नंबर बन जा रहा था। ये कौन है? सारा एजाज, माय फियांसे, सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, ओरेकल में काम करती है। नाइस टू मीट यू। बहुत प्यार करते हैं हम दोनों एक दूसरे से। अगले महीने शादी है हमारी, इनविटेशन भेजूंगा, जरूर आने आप। जी जी जरूर। चलो सारू कहीं और जाके खाना खाते। यही तो डबल स्टैंडर्ड है हमारी सोसाइटी का, लड़का यूके कनाडा अमेरिका में टैक्सी ड्राइवर भी हो तो उससे खुशी खुशी शादी कर लेगी, यहाँ पे उन्हें कोई एग्जीक्यूटिव पोस्ट पे लड़का चाहिए। मेरी तो ऐसी कोई डिमांड नहीं है। ये क्या फिल्म थी? मेरी जिंदगी की वो फिल्म तो चलने से पहले ही फ्लॉप हो गई। मतलब? मतलब कि जिंदगी बसर करने के ख्वाब देखा करता था मिस ग्रीडी फॉक्स के साथ। फिर पूरे क्यों नहीं किए ख्वाब? क्योंकि तब मैं कंगला था और इन्हें मिल गया था अपने ख्वाबों का शहजादा जर्मनी में। इसलिए छोड़ा इसने तुम्हें? सिर्फ इसलिए छोड़ा होता ना तो समझ में भी आता। उस दिन जो भिगो भिगो के मारी है ना उस बात का ज्यादा दुख है। क्या कहा? चलो चल के कहीं बैठते फिर बताता हूँ लंबी कहानी। फिर बस वो चली गई और मैं उसकी शक्ल देखता रहा। और ये भी का शक्ल देखी अपनी आईने में, डायनासोर जैसी लगती है। तुमने उसका मुंह नहीं तोड़ा? नहीं, उस वक्त तो सदमे में था। चलो वो भी तोड़ के आ रहा है। भैया उस मुंह को फटे मुंह करा चुका हूँ मैं। कितना अरसा हो गया इस बात को? एक साल दो माह 22 दिन बाद देखा था आज मैंने उसे। बड़ा हिसाब किताब रखा हुआ है उंगलियों पर। ये वो दिन था जिस दिन मैंने सोच लिया था कि जिस काम की वजह से मुझे छोड़ के गई ना वो काम मैं कभी भी नहीं छोड़ूंगा। ये तुम ज्यादती कर रहे हो अपने साथ। छोड़ो ये गोलगप्पे खाओ, बहुत मजेदार है। लेकिन तुम तो ऑनलाइन भी अच्छा खासा अर्न कर लेते हो। तो ये तुम्हें पता है ना अम्मी को थोड़ी। सिकंदर
तुम्हें प्रॉपर जॉब करनी चाहिए। एक्चुअली जब मैं रोड पे ड्राइव करता हूँ ना, तो वो फ्रीडम मुझे बहुत पसंद है। आई फील लाइक इसलिए मैं थोड़ा घबराता हूँ किसी रिलेशनशिप या जॉब में बॉन्ड होने से। ये तो अजीब बेतुकी सी बात है। बेतुकी बात नहीं है, अपनी जिंदगी के 4 साल दिए थे मैंने उसे। इन 4 सालों के चक्कर में तुमने अपने अब्बा की 24 सालों की मेहनत गारत कर दी। बहुत अफसोस की बात है। चलो उठो, मुझे नहीं खाने ये गोलगप्पे। फरमान भाई प्लीज ये कॉफी यहीं रख दें, थैंक यू। तो भैया डर था मेरा फोन नहीं उठाओगी तो मैं तुम्हारे ऑफिस नहीं पहुंच सकता। क्यों, मेरा ऑफिस कौन सा मार्स पर है जो तुम नहीं आ सकोगे? बैठो। फोन क्यों नहीं उठाया? बिजी थी। ठीक कह रही हो, एग्जीक्यूटिव पोस्ट है तुम्हारी, इसमें बंदा वाकई बिजी हो सकता है। फिर लड़ पड़े हो अब्बा के साथ? ज्यादती करते हो मेरे साथ। ज्यादती तुम कर रहे हो अपने साथ। निकल आओ इन चीजों से और नॉर्मल होकर जिंदगी गुजारो सिकंदर। तुम्हें मैं अब नॉर्मल लगता हूँ? नहीं। तो अब्बा को क्यों लगता है कि कोई ढंग की लड़की मेरे से शादी नहीं करेगी? तो तुम गलत साबित कर दो ना उन्हें। कैसे करूँ? अम्मी जहाँ जाती है मेरा प्रपोजल लेके सबसे पहले अगले पूछते लड़का क्या कर रहा है। तो बता दो जो कर रहे हो। यही तो डबल स्टैंडर्ड है हमारी सोसाइटी का। लड़का यूके कनाडा अमेरिका में टैक्सी ड्राइवर भी हो तो उससे खुशी खुशी शादी कर लेगी। यहाँ पे उन्हें कोई एग्जीक्यूटिव पोस्ट पे लड़का चाहिए। मेरी तो ऐसी कोई डिमांड नहीं है। यार सारा फोन क्यों नहीं उठा रही? कब से कॉल कर रहा हूँ तुम्हें भाई, बच भी जाना था साथ। उमर ये सिकंदर है। सिकंदर दिस इज उमर। नाइस टू मीट यू। उमर हमारे एचआर डिपार्टमेंट के हेड हैं और इससे पहले जर्मनी में एक फॉर्म में जॉब कर रहे थे। ये वही सिकंदर है जिनकी जॉब के बारे में तुमने बताया था? Yes. जो बहुत टैलेंटेड है लेकिन अनलकी है। सिकंदर एक मिनट। ये क्यों माइंड कर गया? क्योंकि उसके पास माइंड है। अब उसके मुंह पर खड़े होकर कहोगे कि वो अनलकी है तो और कैसे रिएक्ट करेगा? I'm sorry यार, मुझे नहीं पता था मामला इतना सेंसिटिव है। चलो देर हो रही है, 5 बजे मीटिंग भी है। चलो चलो। तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं है बेगम, कैसी बातें कर रही हो तुम? ये रिश्ते की बात में दिमाग की खराबी कहाँ से आ गई? अरे आलिया भाभी से उनकी इतनी काबिल बेटी का रिश्ता मांगोगे वो भी तुम्हारे इस चीकू के लिए? पहले इस चीकू से तो पूछ ले कि वो शादी करना चाहता है। ओहो तुम तो शौक से करोगे मियाँ, इतनी खूबसूरत काबिल लड़की मिलेगी कहाँ तुम्हें है? 5 लाख रुपए सैलरी है उसकी। लानत भेजता हूँ ऐसे 5 लाख की सैलरी पे मैं। अरे चीकू मेरी बात सुनो। अच्छा कहाँ जा रहे हो, बता के तो जाओ। आ गया चैन, चला गया वो। तो यार तुम सिखाओ जो काम कर रहा है वो तो ढंग से करे पहले, या तो प्रीमियम राइस पकड़ते हैं हिसाब ज्यादा, या घर में बैठो बिस्तर तोड़ते रहते हैं। सिकंदर है जिनकी जॉब के बारे में तुमने बताया था, जो बहुत टैलेंटेड है लेकिन अनलकी है। तुम्हें पता है लड़के का मामू एचएसएन का डीन है, मिलने में क्या रहा है? मिल तो लो। अभी मुझे नहीं मिलना किसी भी एक्सपाइजी से। बेवकूफ लड़की, उस लड़के ने सीए किया हुआ है और हयात भाई तो अच्छा ही रिश्ता बताएंगे ना। उन्हें अपना बेटा नजर नहीं आ रहा तुम्हारे लिए? अगर ऐसे तो मैं बाद में कॉल करती हूँ। तुमने किस खुशी में मेरी बात की है जॉब की? तुम डिजर्विंग हो और कॉम्पिटेंट हो इसलिए सिकंदर। अच्छा मैं कॉम्पिटेंट हूँ इसलिए किसी की सिफारिश में मुझे जॉब मिलनी चाहिए? तुम हर बात का गलत मतलब क्यों निकाल लेते हो?
क्योंकि तुमने गलत की है। अपने उस उमर जलील को कॉल करके मना करो। मेरा उमर? जाहिर है 15 दिन की जॉब में कोई किसी के साथ लंच करना शुरू कर दे तो वो अपना ही होता है। इस जिमी के बच्चे का तो मैं दिमाग दुरुस्त करूंगा जिसने तुम्हें मेरा नंबर दिया है। और अब जब तुम्हारी मंगनी टूट गई तो तुम्हें मेरी याद आ गई। सारा अब्दुल कयूम, पहले भी ना तुमने मेरी बेरोजगारी की वजह से मुझे छोड़ा था। बढ़िया, ताना क्यों मारा मुझे उमर के नाम का? ऑब्वियसली इंसान सिफारिश अपने किसी खास से ही करता है। इंसान सिफारिश उसी के लिए करता है जो उसके लिए खास हो। ओ प्लीज, मैं किसी के लिए खास नहीं हूँ। सिकंदर तुम मेरी बात तो सुनो, तुम आज भी अहम हो मेरे लिए। For God's sake, एक बार मिल लो मुझसे, मैं दोनों हाथ जोड़कर माफी मांग लूंगी तुमसे। अच्छा ओके, मिल लेते। बताओ कहाँ मिलना है? उसी कैफे में जहाँ पहली बार इजहार मोहब्बत किया था तुमने। ओह सो स्वीट, ठीक है हम लोग कॉफी पे मिलते हैं, टाइम में तुम्हें मैसेज कर दूंगा। ओके, और हाँ प्लीज मेरी फेवरेट शर्ट पहन के आना। ओके बाय। मिलने जाओगे उससे? क्यों, तुम उमर जलील के साथ जाके लंच कर सकती हो, मैं कॉफी पीने नहीं जा सकता सारा अब्दुल कयूम के साथ। अच्छा, बहुत प्यार करती हो मुझसे। इट्स ओके, मैं समझ सकता हूँ। क्या, और तुम्हें मेरी राइट्स लेने से कोई इशू नहीं है? अच्छा, रो नहीं ना, मैं समझ सकता हूँ, ये मोहब्बत इंसान को बहुत ख्वार करवाती है। चलो हम लोग कल मिलेंगे। ओके अच्छा, आई मिस यू टू, कल मिलते हैं ना हम लोग आराम से। ओके गुड नाइट। आज तो मेरा बेटा बहुत खुश नजर आ रहा है। एक स्पेशल फ्रेंड से मिलने जा रहा हूँ। क्या था ना, अपना टाइम आएगा। क्यों नहीं आएगा? आंटी मैं ऑफिस जा रही हूँ। अगर 10 मिनट वेट करो तो मैं छोड़ देता हूँ। नहीं, उमर से कहा था वो पिक करने आया है मुझे। अरे तुम कहाँ जा रहे हो? उमर जलील को जलील करने। कजन जर्मनी छोड़कर आ गया वापस, अब तो सेट हो गया होगा यहाँ भी। हाँ, पर मैं अब सेट नहीं हो सकती उसके साथ। जो अपनी माँ के कहने पर जर्मनी छोड़कर वापस आ सकता है, वो कल को मुझे भी छोड़ सकता है। तो मुझे किसके कहने पे छोड़ा? वो मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती थी। अब और क्या हो रहा है? दोबारा क्या कर रहा है खाने? सिकंदर तुम यहाँ कैसे? मैं बस ऐसी। तुम्हारी फियांसे इस चीटर को कैसे जानती है? शट अप, मैंने कोई चीटिंग नहीं की, तुम सेल्फिश थी। एक्सक्यूज मी, सेल्फिश मैं नहीं, तुम धोखेबाज थे। एंगेजमेंट के बाद बताया कि तुम्हारा जर्मनी में सेटल होने का कोई इरादा नहीं। तुमने एंगेजमेंट मेरे लिए की थी या जर्मनी के लिए? एक मिनट, तुम दोनों एक दूसरे को कैसे जानते हो? तो मेरी मंगेतर थी, कजन भी, और ये इसकी मंगेतर है जिसको तुम लेकर घूम रहे हो। हाँ ये मेरी मंगेतर है। भाई साहब अब अपनी मंगेतर को ले जाए यहाँ से। लानत भेजती हूँ मैं इस मनहूस पर और थोड़ी सी तुम पर भी।
मैंने कौन सा तुम्हारी भैंसे खोल के भागा हूँ और मेरी माँ की साड़ियाँ अभी तक नहीं पहुंची बनारस से और आईफोन के जो 3 डब्बे थे बड़ा कारतूस लाइए तो ठीक जाके बड़े निशाने पे लगा मेरी तो दोनों बलाओं से जान छुटी। अच्छा सौरभ बात तो सुनो। अच्छा सौरभ सौरभ अच्छा एक काम करो राइड बुक करवा लो ना। 2 मिनट बात सुन लो मेरी। भाई साहब ये तंग कर रहे हैं मुझे। अरे नहीं 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 अंकल अरे मेरा मामू की बेटी मजाक करती है। यार किस नस्ल का गधा है तू? अब्बा से पूछ के बताऊंगा। एक वक्त के दूंगा ना तुझे। अच्छा बता फिर क्या करूं? अच्छी लगती है तो बता दे उसे भाई। वो भी तो बता सकती है ना, जरूरी थोड़ी है कि हमेशा लड़का ही जाके बताए। हो सकता है तू उसे अच्छा ही लगता हो। सॉफ्टवेयर डिजाइन करता हूँ, अगले की दिमाग की कोडिंग डिकोडिंग मुझसे बेहतर कोई नहीं जानता। बेटा कोडिंग डिकोडिंग का वक्त गुजर चुका है, इससे पहले वो उमर जलील आके तुझे वापस जलील कर दे, सारा एजाज की जिंदगी में जाके एंट्री मार दे। तो जब भी कोई बात करना मनोज बात करना। तो अबे भाई फोन ले जाना, लड़की जल्दी मान जाती है। अरे आलिया भाभी बहुत अच्छा किया कि आप आ गए। क्या करती, रिश्ते इतना अच्छा था सोचा हाथ से ना निकल जाए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हो? जी मैं ठीक। वैसे आलिया इतना भी अच्छा रिश्ता नहीं है जितना तुम कह रही हो। तुम तो रहने दो, तुम तो खुद अपनी नजरें गाड़े बैठी हो इस बच्ची पे अपने नावाकुल लड़के के लिए। अच्छा क्या वाकई? सर में भाभी देखी हमारी माशाल्लाह इतनी टैलेंटेड बच्ची है, उसके लिए रिश्ता भी तो शानदार होना चाहिए ना। कहाँ ये चीकू है? भाई साहब अगर चीकू फ्रूट की बात करें तो वो सारा को बहुत पसंद है। अगर सारा को पसंद है फिर तो बात ही खत्म हो गई ना, है ना? जी ये क्या है? टू सारा एजाज हु इज माय लकी चार्म। जिमी कहता है कि लड़कियों को फूलों की जुबान अच्छे से समझ में आती है, लेकिन मुझे लगता है तुम्हें इस लेटर की जुबान ज्यादा अच्छे से समझ आई। अब ये क्या है? On behalf of TCF Technology, please to offer the position of software developer. तुम्हें जॉब मिल गई? सबको बताया क्यों नहीं? क्योंकि मैं पहले तुम्हें बताना चाहता था ताकि तुम्हें ये याद रहे कि तुमने किसी राइडर को नहीं एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर को रिजेक्ट किया था। मैंने कब रिजेक्ट किया? तो अभी ये क्या था जो उससे उठ के आई हो? अच्छा तुम्हें फिर हरी झंडी दिखा दी होगी सारा कयूम ने। नहीं मेरी फ्रीक्वेंसी तो सेट हो चुकी है किसी और लड़की के साथ। हाँ? एक लड़की है सारा एजाज नाम है उसका, मुझे लगता है उसकी और मेरी ठीक ठाक जिंदगी गुजर जाएगी। सोच लो मेरा नाम भी सारा है और मैं सारा का सारा तुम्हारा। कहा था ना अब तो टाइम आएगा। इससे पहले तुम्हारा टाइम आकर चला जाए सबसे बात तो कर लो। हाँ रुको रुको रुको, कहो कि क्या? ये ही कि जो ये सारा है वो मेरी किस्मत का सितारा है जिसे मैं किसी और के आसमान पर चमकने नहीं दूंगा।